नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी भोपाल में जुड़ा की हड़ताल को लेकर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, अभी जैसा संकट चल रहा है उसको ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। अभी बातचीत चल रही है, हड़ताल जैसी कोई स्थिति नहीं है। कमलनाथ के ममता बनर्जी के मध्य प्रदेश आमंत्रण, बोले सारंग, कहा कि बातें तो करते हैं गांधी की और हिंसा फैलाने वाली ममता का साथ देते हैं, यही इनकी नीति है। बंगाल जो हो रहा है वह लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है, ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, बातें तो करते हैं गांधी की और हिंसा फैलाने वाली ममता का समर्थन करते हैं, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। ममता बनर्जी ने जो बंगाल में किया है वो देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। जीत का जुनून और इतनी मदहोशी बहुत अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के लिए। जिस प्रकार से बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ प्रताड़ना की है, इससे ज़्यादा घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता। और उसका समर्थन कमलनाथ कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी को, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। एक तरफ बातें करते हैं गांधी की और दूसरी तरफ हिंसा करने वाले लोगों को संरक्षण देते हैं। हो सकता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा करके दबाने की कोशिश ममता कर रही हो, पर ममता को नहीं भूलना चाहिए कि ये लोकतंत्र का देश है, ये गांधी का देश है। यहाँ हिंसा नहीं चली, जब रावण नहीं रहा तो फिर रावण के राह पर चलने वाले ऐसे लोग भी नहीं रहेंगे जो हिंसा को अपनाते हुए लोगों को दबाने का काम करते हैं। 5 लाख वैक्सीन डोज मंगाए गए हैं, लगभग 5 करोड़ को है, तो सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है, उन्हें बता नहीं रही है कि कैसे किया। सरकार ने पूरा स्पष्ट किया है, हमने पहले से ही कहा हुआ है, हमारे हफ्ते में समय और दिन नियत है किस किस दिन वैक्सीनेशन होगा। जो बीच के दिन छोड़े गए हैं वो बाकी वैक्सीनेशन है, जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है उसके लिए छोड़े गए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पल्स पोलियो का होना चाहिए, बाकी जो मीजल्स और इस सब के जो वैक्सीन लगते हैं इन सब के लिए बाकी दिन छोड़े गए, क्योंकि यदि पूरे समय यही होगा तो जो बच्चे नौनिहाल जिनको वैक्सीन लगाना है वो छूट जाएगा। इसलिए कांग्रेस को तो केवल और केवल बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के इल्ज़ाम लगाने की आदत हो गई है, क्योंकि उन्हें मीडिया की सुर्खियों में बने रहना है। कांग्रेस के नेता आगे आकर तो बताएं कि उन्होंने इस कोरोना काल में जनता के लिए किया क्या, केवल छींटाकसी करना, केवल राजनीति करना, केवल मौतों की और लाशों पर राजनीति करना, इससे घृणित कार्य कुछ हो नहीं सकता। नहीं, देखिए, जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं उसके पीछे का हमारा लक्ष्य भी यही था कि हम वो एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो कि घर में आइसोलेट नहीं हो सकते, जिनके घरों में बहुत कम जगह है, और यदि उनको लगता है कि वो घर के अलावा कहीं जाकर अपनी इस बीमारी के समय आराम लें, उनको भोजन उपलब्ध हो सके, उसके लिए ये व्यवस्था की गई थी। पर क्योंकि हम देखते हैं कि अपेक्षाकृत उतने लोग नहीं आए, पर हमारा होम आइसोलेशन का परसेंटेज तो बहुत अच्छा रहा। हमारे अस्पतालों में केवल 30% लोग रहे, कहीं कहीं 25, कहीं कहीं केवल 20% रहे, बाकी सभी होम आइसोलेटेड रहे। तो इस व्यवस्था को इसीलिए ये ऑर्डर निकला है कि अब आगे इसको ना बनाए, जो हमारे बने हुए हैं वो तो चल ही रहे हैं, पर हमने ये देखा है कि उसमें इतना टर्नअप नहीं हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यवस्था फेल हुई है, व्यवस्था तो अच्छी बनी ही है, कुछ लोग आए भी हैं और आके लोग ठीक होके गए भी हैं, पर लोगों को लगता है कि वो घर में रहें, घर में आदमी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, और उसको ये भी लगता है कि ज़्यादा बीमारी हो जाए तो मैं अस्पताल जाऊं। सरकार ने आगे की पूरी तैयारी शुरू की है और उसके लिए आपने देखा होगा जहां पर हमें बिस्तर बढ़ाने हैं उसकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं।
अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम कर रहे हैं। हमारा पैरेलल हेल्थ वर्कर का हम टीम खड़ी कर सकें उसके लिए हम अलग अलग वर्गों के लोगों की ट्रेनिंग करके आगे की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो ऑक्सीजन की आपूर्ति का मामला है, तो पूरे प्रदेश में हर ज़िले में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के ऑर्डर हो चुके हैं। बहुत जगह ये बनकर लगभग तैयार होने वाला है और पूरे जगह हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम इस बात को स्थापित करें कि आगे यदि तीसरी वेव आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार रहें। पर मैं फिर जनता से अपील करूंगा कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम आत्मानुशासन से ज़िंदगी जिएंगे तो हम थर्ड वेव को आने से रोक देंगे। इसलिए हम सबको कोरोना की चेन को ब्रेक करना चाहिए, अस्पताल जाना ना पड़े, ये इस बात से सुनिश्चित होगा कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।